इस वीडियो में आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा से आज है 4 अप्रैल और आज के डेट बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही इसमें एक स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूँ, तो कौन सा है और कैसे कब क्या क्या इसकी पात्रता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी जानकारी, कब तक इसके लिए आवेदन कर सकते वो भी, और यहाँ पर एडमिशन को लेकर भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आज के डेट में पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है ये है MBA सेकंड सेमेस्टर के सत्र 2023-24 जुलाई जून में जो एडमिशन लिए थे उनके अगर किसी प्रकार की समस्या है कोर्स को लेकर, अध्ययन को लेकर, तो इनके समस्याओं के निवारण के लिए परामर्श कक्षाएं ऑनलाइन काउंसलिंग क्लासेस जो है 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। टाइमिंग रहेगा 7 से 9 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से होगी, जिसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नहीं हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इस पर कॉल करके आप लोग जो है ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ताकि आपको उस जो क्लासेस होगी उसकी ऑनलाइन लिंक मिल जाए। उसके बाद जो स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा था वो है BPL और BBPL कार्ड धारक विद्यार्थी के लिए ये स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पर इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी और किस किस पर ये लागू होता है, जितने भी स्टूडेंट BPL और BBPL के स्टूडेंट हैं उन लोगों को सभी को ये दी जाएगी निश्चित संख्या में बोल रहा था, इनकी संख्या तो बताया नहीं है। और जो BPL वाले हैं उनको सबसे पहले लिस्ट में आगे उनका नाम रहेगा, उसके बाद BBPL वालों का रहेगा। और जैसे कि कोई श्रेणी सुधार के लिए कर रहा है, ये UGPG के कोई है जो उसी क्लास में एक बार हो चुका है उनका और फिर से कर रहे, तो उनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उनके उनको भी ये नहीं मिलेगा। और ऐसे स्टूडेंट जो जिनको ऑलरेडी कोई छात्रवृत्ति और मिल रही है तो उनको भी ये नहीं मिलने वाली, ठीक है। और इसके लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो विश्वविद्यालय में जो एडमिशन है उसका चालान और जो एडमिशन लेते हैं उस आवेदन की कॉपी लगेगी। जो भी कार्ड है आपके पास BPL है, BBPL कार्ड जो भी है वो लगेगा 100 प्रमाणित प्रति। 10वीं 12वीं UGPG मतलब 10वीं 12वीं तो कंपलसरी है, लेकिन उसके पिछले वाले जो भी सर्टिफिकेट्स है वो सारे आपको लगेंगे। जाति निवासी लगेगी छत्तीसगढ़ शासन का, और जिनके पेरेंट्स जो है सरकारी अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत है उनके आय प्रमाण पत्र नियोक्ता द्वारा जारी होना चाहिए। और शासकीय सेवा वालों के लिए फॉर्म 16 संलग्न करना होगा। और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2023 का आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति जिसमें हितग्राही का नाम स्पष्ट हो, वर्तमान बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और आवेदक का जो है बैंक पासबुक जिसमें वो स्कॉलरशिप के पैसे आपके उसी खाते में आएंगे। और आवेदक का आधार कार्ड लगेगा, शपथ पत्र नोटरी द्वारा सील व हस्ताक्षर किया होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 20 अप्रैल तक रखी गई है, अभी चालू हो चुकी है, आज से भर सकते हैं। और जो फॉर्म है मैं आगे बताऊंगा, फॉर्म का भी प्रारूप यहाँ पर है। फॉर्म पूरी तरह से भर के सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके रजिस्टर डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अनिवार्य रूप से आपको जो यूनिवर्सिटी वहाँ पर जमा करना होगा या फिर खुद जाकर भी जमा कर सकते हैं। तो ये है फॉर्म, इसमें आप लोग देखिए विद्यार्थी का पूरा नाम, पालक का नाम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ये फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। और डाउनलोड करके इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर लीजिए, फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट आपको लगा लेना। ये है वो शपथ पत्र जो कि नोटरी पर आपको बनवाना है, ठीक है। और ये पूरा फॉर्म है, यहाँ तक लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में इसका, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर BBA फाइनल ईयर 17 जुलाई जून 2023-24 के अंतर्गत प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेपर 4 का जमा करने की जो लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है। तो जितने भी विद्यार्थी इस सब्जेक्ट के हैं उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की हार्ड कॉपी 3 प्रतियों में सॉफ्ट कॉपी सहित निर्धारित तिथि के पहले प्रबंध विभाग विश्वविद्यालय मुख्यालय में जमा कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर और भी है,
पंजीयन अधिसूचना संशोधित प्रवेश सूचना है ये। तो शैक्षणिक सत्र 2024 के लिए जनवरी दिसंबर के लिए जो पहले से ही पंजीकृत है छात्र यूजी पीजी यूजी के सेकंड ईयर और फाइनल ईयर और पीजी के सेकंड ईयर वालों के लिए ये है, तो उन लोगों को ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2024 रखी गई है और विलंब शुल्क 15 अप्रैल तक 500 रुपये देकर भी कर सकते हैं। तो यह फ्रेशर के लिए नहीं है जो वहीं पढ़ रहे हैं, पूर्व पंजीकृत मतलब जो पंडित सुंदरलाल शर्मा से पहले ही पढ़ रहे हैं, यूजी सेकंड ईयर वाले फाइनल ईयर में एडमिशन लेंगे और जो इनका फाइनल ईयर हो गया है वो पीजी में एडमिशन लेंगे और पीजी के सेकंड ईयर वाले फाइनल ईयर में लेंगे, ठीक है। तो ये उनके लिए है 10 अप्रैल और 15 अप्रैल 500 रुपये विलंब शुल्क लगेगा। तो ये इतने सारे नोटिफिकेशन थे, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।